सिल्वर, कोशिकाभित्त, कोशिकाभित्त जो होते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स यानी कि सेल ऑर्गेनेल्स का एक पार्ट यानी कि कोशिकाओं का एक भाग होता है। तो सेल वॉल जो होते हैं ये पौधों में पाए जाते हैं और एनिमल्स में यानी कि प्लांट सेल में ही ओनली प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन प्लांट्स, और एनिमल सेल में जो होते हैं ये अब्सेंट होते हैं। यस मैम। अब प्लांट सेल में जो सेल वॉल होते हैं वो बने किसके होते हैं, तो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। हम कहेंगे कि जो प्लांट सेल में पादप सेल में पादप कोशिकाओं में सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। अब सेल वॉल का डेफिनेशन हम जानेंगे कि सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग स्ट्रक्चर। सेल वॉल जो होता है यह कैसी संरचना है, तो यह कोशिका भी जो होती है वह नॉन लिविंग होता है यानी कि सेल वॉल जो होता है वो कैसा होता है, नॉन लिविंग, दैट प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल यानी कि सेल वॉल इज ए नॉन लिविंग थिंग। सेल वॉल जो होता है वो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर है दैट प्रोटेक्ट यानी कि यह सुरक्षा प्रदान करता है एंड सपोर्ट और सपोर्ट करता है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, सेल के बाहरी परत को, आउटर आउटर मींस बाहरी परत यानी कि सेल के आउटर लेयर का सपोर्ट करने का कार्य करता है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं इसके आउटर लेयर तीन होते हैं। अब पहला हो गया प्राइमरी सेल वॉल, सबसे जो आउटर लेयर होता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है जो जिसका कार्य होता है ग्रोथ यानी कि यह क्या करता है, इसका ग्रोथ करता है और सपोर्ट करता है। दूसरा यहाँ पे हो गया मिडिल लैमिला, मिडिल लैमिला जो होता है ये कैल्शियम पैक्टेट का बना हुआ होता है। तीसरा है सेकेंडरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल जो होते हैं ये यानी कि इनर वाले पार्ट पे होते हैं। अब सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थ यानी कि सभी जो पादप कोशिकाएं होती हैं एनिमल कोशिकाओं में नहीं, यहाँ प्लांट सेल की बात हो रही है, एनिमल कोशिकाओं में सेल वॉल जो होते हैं वो ऑब्सेंट होते हैं। तो सभी पादप कोशिकाओं में कोशिका के चारों ओर निर्जीव पदार्थों की एक परत होती है, निर्जीव होते हैं जो कि नॉन लिविंग होते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं, कोशिका भित्त कहते हैं।